जिला मुख्यालय स्थित जेल रोड का नाम स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय के नाम पर रखने और केसीसी बैंक चौक पर लाला लाजपत राय की प्रतिमा स्थापित करने की मांग शहरवासियों ने उठाई है, जिससे कि युवा पीढ़ी शहीदों के जीवन से प्रेरणा लेकर देश हित में कार्यक्रम के लिए प्रेरित हो सके। इस संदर्भ में शहरवासियों ने गत दिवस मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी सौंपा है। बुद्धिजीवी वर्ग का कहना है कि ब्रिटिश हुकूमत काल के दौरान लाला लाजपत राय धर्मशाला जेल में 21 अप्रैल 1922 से 9 जनवरी 1923 तक रहे थे। ऐसे में धर्मशाला जिला कारागार में लाला लाजपत राय से संबंधित स्मृतियों को भी संग्रहित करके उनका संरक्षण सुनिश्चित किया जाए। धर्मशाला में आयोजित प्रेस वार्ता में शहर के बुद्धिजीवी सुनील डोगरा व अन्य ने प्रेस वार्ता में कहा कि शहीदों के सम्मान को लेकर शहरवासी प्रयासरत हैं। इसी कड़ी में दीपावली के उपलक्ष्य पर एक दिया शहीदों के नाम कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था। उन्होंने कहा कि जिला कारागार को प्रदेश की धरोहर के रूप में विकसित किया जाए तथा जेल परिसर में लाला लाजपत राय की यादों का एक संग्रहालय एवं पुस्तकालय भी स्थापित किया जाए। बुद्धिजीवी वर्ग में शामिल सुनील डोगरा, केवल शर्मा, डॉक्टर राकेश डोगरा, महेंद्र जसरोटिया, रॉबिन गुरंग ने कहा कि स्मार्ट सिटी धर्मशाला में भी विभिन्न स्थानों पर चौक स्थापित किए जाने हैं। ऐसे इन चौकों का नामकरण भी महान विभूतियों के नाम पर किया जाए, जिससे युवा पीढ़ी देश के स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन के बारे में जागरूक हो सके। समाज सेवी अतुल भारद्वाज ने बताया कि जेल रोड का नामकरण लाला लाजपत राय के नाम पर रखने और केसीसी बैंक चौक पर लाला लाजपत राय की प्रतिमा स्थापित करने के लिए शहरवासियों के सुझाव लेने के लिए बुद्धिजीवी वर्ग का एक कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें संयोजक की जिम्मेदारी सुनील डोगरा, सहसंयोजक केवल शर्मा, डॉक्टर राकेश डोगरा, महेंद्र जसरोटिया, रॉबिन गुरंग को बनाया गया है। उसके बाद इस कड़ी को बढ़ाते हुए धर्मशाला के वरिष्ठ नागरिकों ने तय किया है कि हम इस कड़ी को आगे बढ़ाएंगे, शहीदों के परिवार तक पहुंचेंगे और वहां पहुंचकर उनकी समस्याओं को सुलझाने में पूरा सहयोग देंगे। जब तक समस्या सुलझ नहीं जाती, हम उन लोगों के साथ खड़े रहेंगे। आपने बात कही है कि लाला लाजपत राय के नाम पर भी चौक का नाम रखा जाएगा या मूर्ति स्थापित की जाएगी, तो कितना समय लगेगा इसमें? हमने तय किया है कि सरकार आज पिछले कल ही मुख्यमंत्री को एक मेमोरेंडम दिया है। लाला लाजपत राय जी जिन्होंने एक धर्मशाला की जेल में 21 अप्रैल 1992 से 9 जनवरी 1923 तक अपना समय यहाँ बिताया और वो स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा के स्रोत रहे। उन्होंने जो संघर्ष गाथा लिखी उससे प्रेरणा लेके लाला लाजपत राय से प्रेरणा लेने वाले युवकों में भगत सिंह, राजगुरु जैसे युवकों ने अपने जीवन की आहुति देते हुए देश की सेवा की। कुछ नाम तो हमारे ध्यान में है, बहुत सारे नाम ऐसे हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपना जीवन बलिदान कर दिया और उनके प्रेरणा स्रोत लाला जी रहे। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने ये निर्णय लिया है कि सरकार से अनुरोध करेंगे कि सरकार ये जो कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है वहां पे आदमकद की मूर्ति लाला लाजपत राय की स्थापित करें और इस चौक का सौंदर्यकरण करें, रमणीक स्थल के रूप में इसे विकसित करें, मन भावनीय मूर्ति लाला लाजपत राय की लगाएं। ये जो सड़क जो मार्ग जा रहा है जिसे जेल मार्ग के नाम से जाना जाता है उस मार्ग का नाम भी लाला लाजपत राय मार्ग रखा जाए और जेल के अंदर एक संग्रहालय विकसित किया जाए जिसमें यहाँ लाला लाजपत राय स्वतंत्रता सेनानियों के इतिहास से जुड़े वस्तुओं का संग्रह कर लिया जाए और एक पुस्तकालय की स्थापना की जाए, इसे एक धरोहर के रूप में कारागार को विकसित किया जाए ताकि यहाँ का समाज युवा प्रेरणा लेके देश समाज के लिए अपना
जो है सहयोग देने का काम करें।